अभिनेत्री के तीन बड़े सटोरियों से मुलाकात सवालों के घेरे में है। मुंबई तक पहुंची खबरों के अनुसार इस अभिनेत्री की इन तीन सटोरियों से दुबई में पिछले कुछ दिनों में कई बार मुलाकातें हुई हैं। इन तीनों सटोरियों ने इस अभिनेत्री से कुछ क्रिकेटरों को हनी ट्रैप में लेने का जिम्मा सौंपा था ताकि कुछ मैचों में फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग की जा सके। ये एक्ट्रेस अब तक करीब एक दर्जन हिंदी फिल्में कर चुकी है। सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि इस अभिनेत्री ने दो भारतीय क्रिकेटरों से संपर्क कर उनसे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की, बाद में इन दोनों क्रिकेटरों ने उसे इग्नोर कर दिया। सूत्रों का कहना है कि इसकी मूल वजह ये थी कि क्रिकेटरों को इस अभिनेत्री के बुकी कनेक्शन का अंदेशा था। इस अभिनेत्री से जो तीन सटोरी संपर्क में है उनमें से एक मध्य प्रदेश के जबलपुर का है, जबकि दो सट्टेबाज गुजरात के खंबाट के हैं। ये तीनों बुकी पिछले कई महीनों से दुबई में बैठकर सट्टा कारोबार चला रहे हैं ताकि भारतीय जांच एजेंसी उन तक ना पहुंच सके। बता दें आपको कि सूत्रों का दावा है कि तीन सटोरियों ने अभिनेत्री से कहा था कि वो इन दो भारतीय क्रिकेटरों से हद तक को दोस्ती बढ़ाए कि उसकी ड्रेसिंग रूम तक पहुंच हो जाए। यहां ड्रेसिंग रूम तक पहुंच का आशय ये है कि किसी मैच के दौरान ड्रेसिंग रूम के अंदर की सारी सूचनाएं अभिनेत्री तक पहुंच जाए और फिर अभिनेत्री के जरिए तीनों सटोरियों तक ये डिटेल आ जाए। इस अभिनेत्री ने दोनों क्रिकेटरों के साथ कई मुलाकातों की सेल्फी भी ली है। बुकी के साथ भी इस अभिनेत्री ने दुबई में कई फोटो खिंचवाए हैं। सूत्रों के अनुसार इनमें से एक बुकी पर मध्य प्रदेश में हुए एक क्रिकेट मैच में सैटेलाइट सिग्नल्स हैक करने का भी आरोप है। इस बुकी पर इस केस में जो FIR दर्ज हुई थी उसमें साफ साफ लिखा है कि उसने किस तरह हैक सिग्नल से अपनी किसी वेबसाइट के जरिए IPL के एक मैच का लाइव प्रसारण करवाया। इस बुकी के दो क्लब दुबई में चलते हैं जहां भारत के बड़े बुकी इकट्ठा होते हैं। सूत्रों का कहना है कि किसी एक बुकी से मुलाकात संयोग हो सकती है, पर तीन तीन सटोरियों के साथ इस अभिनेत्री की मुलाकातों के सबूतों की वजह से यह एक्ट्रेस निश्चित ही सवालों के घेरे में है। बता दें कि सटोरियों से लिंक में अब तक दर्जनों क्रिकेटरों पर बैन लग चुका है। आखिरी प्रतिबंध 4 महीने पहले बांग्लादेश के क्रिकेटर शाकिब अल हसन पर ICC ने लगाया था। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।